देख रहा ना किसको पकड़ रहा, जो कमजोर आदमी उसी पकड़ रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव दास और आप देख रहे हैं कोलाज इंटरटेनमेंट में खट्टा सच। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था RFID चिप के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे दो नाम को लेके। ये बात शुरू होती है हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली एन कोहेन। 1972 से 1973 के बीच इन्होंने एक ऐसा टेक्निक का खोज किया जिसके द्वारा किसी भी प्लांट या एनिमल का जीन स्ट्रक्चर को लेके मिक्स करना पॉसिबल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये एक बहुत बड़ा कदम था। इससे पहले भी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती हुई आई है जो कि नेचर खुद ही करता था। जैसे हमने देखा है गधा और घोड़े का अगर मिक्स किया जाए, उनकी अगर मीटिंग हो, तो जो तीसरा प्रजाति नया जो एक जनरेशन आता है उसे हम खच्चर कहते हैं। इसी तरह से टाइगर और लायन को अगर मिक्स किया जाए तो लाइगर बनता है। पर ये सारा नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरली होता है। पर एक पौधे के साथ एक बिच्छू का या एक मछली के साथ एक पौधे का मिलन घटाना, ये कभी नेचुरल नहीं हो सकता। और इसी तरह का टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जो टेक्निक से हमें जो फूड मिलता है वो है GM फूड। आज हम लोग चर्चा करेंगे GM फूड के बारे में ही। तबाही और हादसों के इतने मंजर देखने के बावजूद हम एक ऐसे हादसे की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके सामने अब तक के सभी हादसे बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी इस नए हादसे के घातक असर से खुद को नहीं बचा पाएगा। तेजी से अपने कदम फैलाता यह नया हादसा बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत को ही खत्म कर सकता है। दिमाग, लिवर, किडनी, दिल और आंतों जैसे हमारे कई महत्वपूर्ण अंग इस नए हादसे की चपेट में आ सकते हैं। ऐसी कई नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। GM टेक्निक के खोज होने के बाद 1992 में पहली बार आया GM टोमेटो, उसके बाद आया 1995 में कॉर्न, फिर 2000 साल में आ गया गोल्डन राइस, और उसके बाद 2010 में आप में से कईयों को पता होगा BT कॉटन। BT कॉटन एक इस तरह का कॉटन था, इस तरह का कॉटन का पेड़ था जो नया आया था GM टेक्निक के द्वारा, जिसमें कॉटन के साथ साथ एक बैक्टीरिया का जीन को मिक्स किया गया था जो बैक्टीरिया काफी जहरीली है। इससे होता यह था कि वो जहरीली बैक्टीरिया के जीन के कारण जो कॉटन का पौधा है ये पूरा पौधा ही जहरीली बन जाती थी, जिससे कि इंसेक्ट जो इस पे आते थे और फसल को बर्बाद करते थे वो इंसेक्ट से इसको बचाना पॉसिबल था। यही तर्क था GM सीड बनाने वालों को जिन्होंने BT कॉटन बनाया था। जो भी हो, कॉटन की खेती तो हुई, होने के बाद पूरी तरह से ये कॉटन को बचाना पॉसिबल था ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी इंसेक्ट इनको खा रहे थे उन ज्यादातर की तो पहले मौत हुई, लेकिन कुछ कुछ उसमें से बच गए, और बचने के बाद उनके अंदर इस जहर से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई और फिर वो और ज्यादा पावरफुल बन गए और उन्होंने फसल को बर्बाद भी किया, काफी हद तक किया। जो भी हो, हमारा मुद्दा यह है कि वो फसल उठाने के बाद जो उसके बचे हुए पौधे थे जो कि नॉर्मली गाय भैंस ये लोग खाते हैं, कोई भी, जैसे हम लोग देखते हैं धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, और फिर उससे जो बाकी बचता है धान निकालने के बाद जो उसका पौधा बच जाता है वो गाय भैंस ये लोगों के खाने के तौर पे वो यूज होता है। तो इसी तरह पंजाब में देखा गया कि BT कॉटन के जो पौधे बचे हुए थे उनको जब भेड़ बकरियों ने खाया तो हजारों की संख्या में उनकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में जब BT कॉटन का खेती शुरू हुआ, वो होने के कुछ दिन के बाद ही देखा गया कि वहां पे एलर्जी और कैंसर की प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ चुकी थी। कुछ दिन पहले ही BT ब्रिंजल को इंडिया में अलाउ किया गया। ये BT ब्रिंजल में वही जहर है जो कि BT कॉटन में था, वही जहर यूज किया गया है BT ब्रिंजल में भी, ब्रिंजल का पेड़ को भी जहरीला बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक समझने की बात है कि कॉटन जो यूज होता था वो डायरेक्टली हम लोग खाते नहीं है, उससे कपड़ा बनता है और वो हम पहनते हैं, तो उसमें अगर जहर भी आ जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक कम है। इन्वायरमेंट के लिए वो बहुत बुरा है, पर हमारे लिए डायरेक्टली वो उतना बुरा नहीं होता है। पर अगर BT ब्रिंजल आएगा क्या, ये तो आ ही गया है, तो BT ब्रिंजल वही जहर है जो कि पूरा पौधा ही जहरीला है, और जाहिर सा बात है अगर पौधा जहरीला है तो उसका जो फसल होगा, जो बैगन होगा, वो भी जहरीला होगा और वो हम डायरेक्टली खाएंगे।
अब इसका असर क्या होगा ये खाने के बाद ही पता चलेगा। ये नया हादसा किसी डरावनी फिल्म की कहानी का कोई हिस्सा नहीं है, ये तो एक ऐसा सच है जो पिछले कोई 20 सालों से दुनिया के कई देशों में लोगों की सेहत और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। भारत के लोगों की सेहत और उनका खाना इस नए हादसे का अगला निशाना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM फूड के नाम पर कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी थाली में जहर परोसने का एक गहरा षड्यंत्र रच रही है, हमारे खाने को अपनी बेतहाशा आमदनी का जरिया बनाकर वो अपनी तिजोरियां भरना चाहती है। समय रहते अगर हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो उनकी ये चाल हमारे खाने को हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। लेकिन इन दिनों GM फूड के नाम पर दाल चावल और सब्जियों जैसे हमारी रोजमर्रा के खाने की चीजों में जानवरों और कीड़े मकोड़ों के जीन डालकर उन्हें हमारी सेहत का दुश्मन बनाया जा रहा है। 2010 में एक स्टडी कंडक्ट की गई स्रॉब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ रशियन एकेडमी ऑफ साइंस और नेशनल एसोसिएशन ऑफ जीन सिक्योरिटी के द्वारा। ये स्टडी ये थी कि उन्होंने कुछ चूहों को लिया, उनके दो ग्रुप बनाए, एक ग्रुप को सिर्फ GM फूड पे रखा गया और दूसरे को नॉर्मल क्रॉप्स खिलाए गए। और सिर्फ दो महीने के बाद इसका रिजल्ट आता है और पता चलता है जो चूहों की पहली ग्रुप थी जिन्हें सिर्फ GM क्रॉप दिया गया था वो लोगों में इनफर्टिलिटी आ गई थी, वो लोग प्रजनन करने में अक्षम हो गए थे। ब्रिटेन में GM सोया आते ही वहां पे भी देखा गया कि एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जर्मनी में GM कॉर्न के ऊपर एक परीक्षण की गई गायों के ऊपर, तो पाया गया कि 12 गाय की मौत वहां पर इंस्टेंट हो जाती है GM कॉर्न खाने के बाद। लोग समझते हैं हम शाकाहारी जाके सब्जी खरीदते हैं, टोमेटो खरीदते हैं और टोमेटो में मच्छी का जीन्स उसमें चला गया या बैंगन में बिच्छू का जीन्स उसमें लगा देते हैं, तो ये आदमी के साथ एक तरह का धोखाधड़ी हो गया। इसको सख्त विरोध करना चाहिए। ये लोगों का ग्रीड है, जो ग्रीड से ज़्यादा पैसे बनाओ जल्दी बनाओ इस तरह का ये एक लोभ के वजह ये लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं। आइए अब बात करते हैं दो कंपनीज के बारे में। 1955 में वियतनाम वार, वियतनाम और अमेरिका के बीच में एक वार होता है और वो वार में एक केमिकल का यूज होता है जिसका नाम है एजेंट ऑरेंज। ये डेडली केमिकल था, काफ़ी डेडली, इससे काफ़ी लोग मर गए। और ये केमिकल बनाने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था मॉन्सेंटो और एक कंपनी बायर। आप लोगों में से लगभग सभी ने हिटलर के गैस चैम्बर के बारे में तो सुना ही होगा। हिटलर की गैस चैम्बर में जो जहरीली गैस का इस्तेमाल किया जाता था वो गैस बनाने वाला जो कंपनी था उसका नाम था बायर। अब बात करते हैं मॉन्सेंटो के और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। आपने सैकरिन का नाम तो सुना ही होगा जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कैंडीज में यूज़ की जाती है, चॉकलेट में यूज़ की जाती है। काफ़ी सारे डायबिटीज़ के मरीजों को भी स्वीटनर के हिसाब से सैकरिन खिलाया जाता है। ये सैकरिन को मार्केट में लाने वाला कंपनी का नाम है मॉन्सेंटो। इसके अलावा एस्पर्टामा, ये यूज़ होता है कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में और रिसर्च में पाया गया है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स ही कैंसरस है। इसके अलावा मॉन्सेंटो और एक हर्बिसाइड बनाता है, एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। WHO के कैंसर रिसर्च ब्रांच के अनुसार ग्लाइफोसेट हाईली कैंसरस है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मॉन्सेंटो और बायर के साथ GM फूड का क्या लेना देना है। एक्चुअली में GM सीड, GM फूड जो मार्केट में आ रहा है या फ्यूचर में और भी आएंगे, इन्हें बनाने वाला या इन्हें सप्लाई करने वाली जो दो बड़ी कंपनियां हैं उनका नाम है मॉन्सेंटो और बायर। अब आप समझ ही सकते हैं कि जो कंपनी जहर बनाती है, केमिकल बनाती है, वही कंपनी आ जाके बीज बना रही है, एक नया टेक्निक को लाके GM फूड बना रही है, हमारे थाली तक पहुंच रही है खाने के रूप में वो फूड जो फूड के बारे में ऑलरेडी रिसर्च बताते हैं कि ये जहरीली है, ये कैंसरस है, इससे किडनी फेलियर होता है, लंग्स फेलियर होता है, तो फिर लोग इसके बारे में कुछ कहते क्यों नहीं। इसका जवाब मैं देता हूँ। अमेरिका में एक सर्वे किया गया और उसमें पता चला 65% अमेरिकन को पता ही नहीं है कि GM फूड है क्या, जबकि GM फूड का इस्तेमाल पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो वो है अमेरिका। अब आते हैं भारत की बात पे। 2018 में FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया था कि GM फूड इंडिया में अलाउड नहीं है। इसके बावजूद 2018 के ही CSC के एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा GM फूड जिस प्रोडक्ट में यूज़ होता है
सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो है बेबी फूड। जिस जीएम फूड के बारे में हमने इतनी देर से बात की, जो कि जहरीली है, कैंसरस है, ऑटो इम्यून डिजीज का कारण है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, लंग्स डिजीज, बहुत सारी प्रॉब्लम इससे जुड़ी हुई है, और वो सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? इन्फेंट फूड में, बेबी फूड में। कहीं हम अपने बच्चों को यही फूड तो नहीं दे रहे हैं? बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बायर ने मॉन्सेंटो से 66 बिलियन डॉलर में इंडिया का यूनिट खरीद लिया है, ब्यूटी ब्रिंजल का सीड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब के बिजनेस के लिए। और अभी इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जीएम फूड। जीएम फूड के बारे में हम आगे भी और बात करेंगे। इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।